चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी अपनी तरफ से जो अपने पार्ट पर ऑब्लिगेशन होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो पूरा करने से मना कर देता है या अनुबंध को बीच में तोड़ता है, तो दूसरी पक्षकार के पास यानी दूसरी पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज़, क्या क्या उपचार है वो बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलर की। लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि अगर बायर कुछ गड़बड़ करता है तो सेलर के पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, वो सारी आप लिख सकते हो। प्लस में ये भी लिख सकते हो कि प्राइस के लिए, जैसे अगर आपने प्राइस नहीं दिया है, पेमेंट नहीं करी है, तो बायर के पास, सॉरी, सेलर के पास ये अधिकार होता है कि वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, यानी कि कोर्ट में जा सकता है। और चाहे सेलर कैन सू द बायर वेदर द पोजिशन ऑफ द गुड्स, मतलब अगर आपके पास आपने गुड्स डिलीवर नहीं भी की हो ना, तो भी आप जो है प्राइस के लिए केस फाइल कर सकते हो। दूसरी बात, सूट फॉर प्राइस और नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर आप डिलीवरी ले ही नहीं रहे हो, जानबूझकर गड़बड़ कर रहे हो, सेलर ने सामान आपके पास पहुँचाया पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बिना किसी जेन्युइन रीज़न के, तो जो आपका सेलर है वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है इस चीज़ के लिए। ओके जी, नेक्स्ट इज सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन, नहीं, ये जो मैंने बात बताई ये था, ये वाला थर्ड पॉइंट, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और ये जो पॉइंट है, एक सेकेंड, ये किस लिए है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, मतलब अगर पेमेंट एक टाइम पर फिक्स की गई है, और सूट फॉर प्राइस और नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स इफ़ द पेमेंट फॉर द गुड्स इज़ टू बी मेड बाई सर्टेन डेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर और नॉट द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। थोड़ा सा ये पॉइंट उसने ना घुमा फिरा के दिया है ये, इसका मैं आपको क्लियर कर बता देती हूँ। एक तो पैसे नहीं दिए हैं उसके लिए आप कर सकते हैं, एक आप एक्सेप्ट नहीं करे डिलीवरी उसके लिए कर सकते हैं। टाइम पर पैसे ना देना, आई थिंक ये थोड़ा सा पॉइंट उसने गड़बड़ कर दिया है। टाइम पर, टाइमली पेमेंट नहीं किया है, आप इंटरेस्ट के लिए बात प्रस्तुत कर सकते हैं, आप टाइमली पेमेंट ना होने की दशा में भी केस फाइल कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाता है बायर्स की रेमेडीज़ क्या है। अब बायर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि डिलीवरी नहीं दी जा रही है, सामान पैसे ले लिए डिलीवरी नहीं दी जा रही है, कोई डैमेजेस हुआ है, मान लीजिए डिलीवर गुड्स की वजह से कोई अच्छा डिलीवर करने से मना कर रहा है, तो जो नुकसान हुआ है उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब कई बार क्या होता है कि बायर ये चाहता है कि उसको पैसों की वापसी ना हो, लेकिन वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरीके से हैंडल करवाना चाहता है, यानी कि जो जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना था वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना चाहता है वो एक निश्चित तरीके से, मतलब वो पैसों के लिए नहीं आपके खिलाफ एक्शन ले रहा, लेकिन वो ये चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो किसी तरीके से, ठीक है। और तीसरा है रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी कि अगर आपने कंडीशन, देखो वन दो बात बताई थी ना, एक कंडीशन तोड़ना और एक वारंटी तोड़ना, अगर कंडीशन टूटी है तो उसके पास कैंसिल करने का राइट है कि वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, और अगर वारंटी तोड़ी है आपने तो कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन डैमेजेस के लिए वाद प्रस्तुत जरूर कर सकता है ना। नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है कि मान लीजिए जैसे आपको 10 तारीख को सामान देने का उन्होंने वादा किया है, और आपको 5 तारीख को ही उन्होंने फ़ोन करके मना कर दिया, भैया सॉरी हम डिलीवर नहीं कर सकते, तो दो बातें हैं, या तो वो 10 तारीख तक वेट करे और उसके बाद एक्शन ले, या फिर वो 5 तारीख को ही आपके ब्रीच को एंटीसिपेटरी ब्रीच मानकर, हालांकि 10 तारीख का टाइम है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 तारीख को ही एक्शन लेना चाह रहे हो या आप 10 तारीख का वेट कर रहे हो। सकता है 5 दिनों में उनका माइंडसेट चेंज हो जाए और शायद वो वस्तुओं की डिलीवरी कर दे, बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, हम सोचते हैं कि तुरंत एक्शन लिया जाए, तो टाइम से पहले अगर कोई ब्रीच करता है ना उसे एंटिसिपेटरी ब्रीच बोलेंगे। तो इन दैट केस जो बायर होता है उसके पास ये रेमेडी होती है कि वो पहले भी एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय ऑक्शन, ये डिफरेंट टॉपिक है। सेल बाय ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। बहुत बार आपने फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, रियल लाइफ में तो शायद नहीं देखा होगा, कि कई बार जो सेल जो होती है वो नीलामी के द्वारा होती है। नीलामी के द्वारा भी कोई भी चीज़ बेची जा सकती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की वस्तु क्यों ना हो। एक तरह से पब्लिक सेल है जिसमें बहुत सारे बायर्स इकट्ठा होते हैं,
एक पर्टिकुलर टाइम डेट फिक्स किया जाता है, जगह फिक्स की जाती है, एक पर्सन की नियुक्ति की जाती है जिसको ऑक्शनर कहा जाता है, उसे हिंदी में हम नीलामकर्ता कहेंगे, जो नीलामी करने में मदद करता है। ठीक है, तो सेलर यानी कि जिस जो मालिक होता है, एक्चुअली ओनर नॉट सेलर, ओनर जो गुड्स का मालिक है वो ऑक्शनर की अपॉइंटमेंट करेगा और ऑक्शनर को सारी डायरेक्शंस देगा कि आपने कौन सी गुड्स और किस रेट पर बेचनी है, मतलब इस रेट से कम पर नहीं बेचनी है, इससे ज़्यादा जितना मिल जाए वो अच्छी बात है। तो ये जो नीलामी होती है ना, बोली के आधार पर होती है, इसमें बिडिंग होती है, इसे बोलते हैं बोली लगाना। तो वहाँ जितने भी बायर उपस्थित होते हैं ना, वो सब बोली लगाते हैं। अब जो बोली लगाते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ का रेट जो है, उन्होंने नीलामकर्ता ने बोल दिया कि भाई 500 रुपये से नीचे कोई बोली नहीं लगेगी, तो बोली स्टार्ट ही 500 से होगी, मतलब 500 से ऊपर जैसे जैसे बोली लगती जाएगी, तो जो पर्सन हाईएस्ट प्राइस पर आकर रुकेगा और उसके बाद अगर कोई और नहीं कुछ बोलता, तो इसका मतलब वो ऑक्शनर जो है उसकी बोली को फाइनल मानकर और जो है चीज़ उसकी हो जाएगी, मतलब उसको बिकेगी, यानी कि वो ही असली बायर होगा। तो एक प्रोसीजर होता है बोली लगाने का। तो एक टाइम और डेट और जगह पहले से फिक्स की थी है, इसके लिए बाकायदा एडवर्टीजमेंट या इस तरीके से आम आदमी को, पब्लिक को भाई बताया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है, पब्लिक गैदरिंग होती है, कोई भी बोली लगा सकता है। कई बार तो ये भी होता है कि सेलर भी अपने अपने इवन अपने प्रोडक्ट्स के लिए सेलर भी बोली लगा सकता है, कमाल की बात तो ये है। ऐसा पहले से ही क्लियर किया जाता है कि सेलर बोली लगा सकता है या नहीं, क्योंकि अगर सेलर इसलिए बोली लगवा रहा है अपने पर्सन के द्वारा या लगा रहा है कि वो कोई गुमराह करना चाह रहा है या वो फेक तरीके से अपनी चीज़ के प्राइस को बढ़ा रहा है, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बोली लगाने में पता लगी। और बोली फाइनल कैसे होती है, जैसे ही मान लीजिए अब एक पर्सन ने 500 रुपये बोली लगाई है, दूसरे ने फिर 800 लगाई है, तीसरे ने 1100 लगाई है, अब 1100 के बाद कोई और नहीं बोल रहा है, तो जो ऑक्शनर होता है वो एक हथौड़ा सा होता है, उसको प्रेस करके मतलब टेबल पे मार के, तो उस आवाज़ से दो तीन बार या तीन बार जैसे भी आपने देखा होगा कि फाइनली उस बोली को फिर फाइनल वो दे देते हैं, मतलब एक तरह से फाइनल बना देते हैं। तो उसके बाद अगर कोई बोली लगाता है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आपको एक दो मिनट दिया जाएगा वेट करने का कि भाई अगर कोई और बोलना चाहता है तो बोले, लेकिन अगर उतना दौरान कोई नहीं बोलता है तो हथौड़ा मार के उस बोली को फाइनल मान लिया जाता है और उस बायर को वो चीज़ बेच दी जाती है। ठीक है, सो देर आर सम रूल्स, रूल्स मैंने आपको एक एक करके बता ही दिए हैं कि सेल के लिए गुड्स जो है, अगर मान लीजिए कुछ बहुत सारी गुड्स है तो ग्रुप बना सकते हैं कि भाई एक ग्रुप में ये गुड्स बिकेंगी, दूसरे ग्रुप में, इस तरह से भी हो सकता है। और दूसरा, सेल कब कंप्लीट माना जाता है, जब ऑक्शनर जो है अनाउंस करता है एक फॉल ऑफ ए हैमर यानी हथौड़ा मारकर। तीसरा, राइट टू बिड मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय ऑन बिहाफ ऑफ से, फिर सेलर, सेलर भी रिजर्व कर सकता है अपना राइट कि भाई मैं भी या मेरे बिहाफ पर कोई और पर्सन भी बोली लगा सकता है, लेकिन वो फेक तरीके से नहीं होनी चाहिए, उसका क्लियर कट पहले ही नोटिस में सबकी डाला जाना चाहिए। फिर आता है वेयर द सेल इज नो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, सेलर जो है पहले ही बता देता है ऑक्शनर को कि भाई ये कोई भी चीज़ जो बेच रहे हो ना, वो इससे कम रेट पर नहीं बिकेगी, ताकि उसको ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, और इसके अलावा जो है, प्रिटेंडेड बिडिंग नहीं होनी चाहिए। प्रिटेंडेड का मतलब समझते हैं ना, मतलब बनावटी बोली नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी मतलब देखने को मिलता है कि बोली जो है वो एक फेक है, आर्टिफिशियल तरीके से हो रही है, और बायर को अगर ये पता लग गया कि ये सब ड्रामा रच रहे हैं और ये एक्चुअली में कोई सेल नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, तो वो अपने बोली को मतलब जो उसने यस भी कर दिया है ना बोली के लिए, मतलब अगर कोई प्राइस बोल भी दिया है तो कैंसिल भी कर सकता है उस चीज़ को। ठीक है, और उसके अलावा फिर एक सेकेंड, बस उसके बाद फिर वही जो फाइनल होगा वो अपना प्राइस देगा और अपना जो भी सामान उसको लेना होगा लेगा और अपना उसका प्राइस उसको दे दिया जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो वो ऑक्शनर के प्रति लायबल होगा जो भी गुड्स सेल की हुई हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो
वो बिडर की, यानी जो बिड कर रहा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर कोई इस तरीके की गड़बड़ करता है तो। नेक्स्ट इज़ इम्प्लॉयड वारंटी इन सेल ऑफ, इन सेल बाय ऑक्शन। सेल बाय ऑक्शन यानी नीलामी के द्वारा अगर कोई बिक्री हो रही है तो उसमें एक इम्प्लॉयड वारंटी यही होती है कि ऑक्शनर ऑथराइज है बोली लगाने के लिए। दूसरा, बायर जो है उसको जब वो सामान दिया जाएगा तो उसको अच्छा टाइटल यानी गुड टाइटल मिलेगा, उसकी अधिकार क्षेत्र में फिर कोई एंटर नहीं करेगा, यानी कि उसको सही मालिक करा मालिकाना हक मिलेगा। और ऑक्शनर को ये माना जाएगा कि ऑक्शनर किसी भी तरीके के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में शामिल नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोरी का सामान बेच रहा है, इस तरीके का सीन नहीं होना चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस यूनिट इज़ नॉक आउट एग्रीमेंट। मतलब जैसे मैंने अभी बताया, ऑक्शनर कैसे फाइनल करेगा, हैमर देखा थोड़ा सा होता है उसको मारकर, और फिर फाइनल किसी के सर पे नहीं मारना है, थोड़ा टेबल पे मारना है, और उससे पता लगेगा कि हाँ फाइनल ये बोली जो है जो हाईएस्ट बोली के बाद वो हथौड़ा मारेगा, एंड दैट विल बी द फाइनल बिडिंग, एंड द पर्सन गिविंग द हाईएस्ट अमाउंट का जो भी बोली लगा रहा है वो ही हमारा बायर कहलाएगा, एंड ही हैज़ अ राइट टू क्लेम द गुड्स एट द एग्रीड प्राइस, जो प्राइस उसने एग्री किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट। बाय बाय एंड टेक केयर।